अब मैं इस वायरस को दुनिया के हर कोने में फैलाकर शुरू करूंगा इंसानों का खात्मा। तुम्हारी धूप से मिलने वाली शक्तियों का राज अब मैं समझ गया हूं। अगर मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ तो इस दुनिया को, इंसानियत को एक नई शुरुआत मिलेगी। सिर्फ 10 मिनट बाकी। पापा, इस वक्त सब ठीक तो है? और नहीं तो क्या, मैं भी ठीक हूँ और सब भी ठीक है। आज मैं बहुत खुश हूँ। और जब तुम लोगों पापा? सॉरी मैंने उठा दिया, लेकिन सूरज उगने में सिर्फ 9 मिनट बाकी है, इसे जल्दी लैब में चलो। चलो चलो। हाँ पापा, चलो। आज सब ठीक होना चाहिए। फॉर्मेशन में जो कमियाँ थी वो सब दूर कर दी। आज मेरा कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए। वाह पापा, ये सब क्या है? मेरे सालों की मेहनत, एक कोशिश। क्योंकि धूप जिंदगी देती है, लाइट गिव्स लाइफ, और मुझे लगता है कि मैंने फाइनली आइनों के जरिए लाइट की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करके उसे मल्टीप्लाई करने का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना लिया। कुदरत में भी ऐसा मैजिकल कॉम्बिनेशन मौजूद है, पर हम लोग उसे देख नहीं पाते। इसलिए मेरा ये खास पेन, जो एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इस पेन के आसपास कहीं भी ऐसा मैजिकल कॉम्बिनेशन हो तो ये पेन एक्टिवेट हो जाएगा और बीप करने लगेगा, और फिर ये सारी किरणों को समेट के उन्हें मल्टीप्लाई करके एक सब्जेक्ट पर डालेगा, और फिर हम देख सकेंगे कि कैसे धूप जिंदगी देती। मतलब सूरज की किरणें इस मरे हुए प्लांट में जान डालेगी? ये कैसे हो सकता है पापा? और नहीं तो क्या, होएगा, बिल्कुल होएगा। फिंगर्स क्रॉस करो, करो क्रॉस करो। पापा, सूरज। एक्टिवेट हो गया, मतलब सारे आने की प्लेसमेंट एकदम सही है, फॉर्मेशन एकदम राइट है।
एनर्जी का पावर बहुत ज्यादा है, कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। एक ऐसा फिल्टर बनाना पड़ेगा जो उतनी रोशनी पास होने दे जितनी जरूरी है, और बाकी एनर्जी खुद अब्सॉर्ब कर ले। मतलब फिल्टर विद अ ब्रेन पापा? करेक्ट, दिमाग वाला फिल्टर बना लूंगा, फिर देखना मेरा एक्सपेरिमेंट सोलर एनर्जी की दशा एकदम बदल देगा। अब चलो, ऑफिस भी तो जाना है, चलो चलो। दिमाग वाला बना लूंगा। कृष्णा, रेडी पापा? स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू। कल जो किसी ने पंचर किया था वो तो तुमने ठीक कर दिया ना? हाँ, नहीं वो मैं ये प्रिया को क्या हो गया? प्रिया, अरे कमिंग। चलिए पापा चलते हैं, पहले तुम रेडी तो हो जा। रेडी तो हूँ मैं। पक्का? सिर्फ टचअप कर रही थी, गाड़ी में कर लूंगी। पंचर देखो। अभी तुम एकदम परफेक्टली रेडी हो गई। आई एम ऑल्सो रेडी। चलो, सिंस वी आर ऑल रेडी, लेट्स गो पेंट द टाउन रेड। रेड? क्यों, आज तुम्हें टीवी चैनल की ऑफिस नहीं जाना? जाना है ना पापा, लेकिन आज शायद पहले पार्लर जाना पड़ेगा। और कृष्णा, ऑफिस आ गया। एक्चुअली मेरा नया ऑफिस आगे से राइट जाके फर्स्ट लेफ्ट के बाद राइट पर जो सिक्योरिटी एजेंसी है ना वहाँ है। हाँ, एयर इंडिया का जॉब भी। अरे चलो चलो, मैं लेट हो रहा हूँ, चलो चलो। तुम बात को पलटो मत, बताओ इस बार क्या हुआ? मुझे पता है क्या? क्या? जब क्लाइंट्स टिकट बुक करने आते होंगे तो ये हवा में होते हो। इसलिए एयरलाइंस वालों ने इसकी परमानेंट लैंडिंग करवा दी और कह दिया कि हमेशा के लिए टेक ऑफ हो जाए। करेक्ट? सही कहा पापा, एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। बस बस बस, रुक रुक, अब ये है मेरा नया ऑफिस। ऐसा है इसमें? ओ हस्बैंड, इधर आना। यस वाइफ। मैं स्टूडियो से 4:30 बजे निकलने वाली हूँ। तुम एग्जैक्टली 5 बजे मुझसे मिलोगे, याद है ना? या। अगर आज लेट हुए ना मिस्टर मेहरा, तो ये हस्बैंड वाला जॉब है ना, वो भी यू नो। आई नो। बाय बाय। ऑलराइट पापा, अब आपको कहाँ ड्रॉप करूँ? मतलब मेरी नौकरी तो सही सलामत है, तुम तो मुझे लैब पर ही छोड़ो। हम होंगे कामयाब, हम होंगे काम। कृष्णा, कृपाल, आप दोनों को बॉस ने नौकरी से निकाल दिया है। यह है आपका टर्मिनेशन लेटर और यह आपका। क्या हुआ? अरे तुम्हारा फेस फुटबॉल से टेनिस बॉल क्यों बन गया? कल जब वो चोर ज्वेलरी स्टोर में चोरी करने आए थे तो तुम तो भाग गए थे ना, तो नौकरी क्या रुकी रहेगी? पर तुम वैसे भागा, मैं भी था, लेकिन मैं भागा था भाग के आने के लिए। भाग के आने के लिए? हाँ हाँ, मेरा मतलब हा? क्या क्या तुम लोगों के कान क्यों खड़े हैं? अरे हम लोग तो काम से गए, तुम लोग तो काम पे जाओ, जाओ। ठीक है। समझते नहीं हो यार। हाँ आप बताओ, कल जब मैं भागा था, नहीं मेरा मतलब गया, उसके बाद स्टोर में कौन आया था? कौन आया? कौन आया था? क्रिश। करेक्ट। अब समझे सीक्रेट?
मेरा पूरा नाम क्या है? कृपाल शर्मा। तो कृपाल ककरी क्री शर्मा कश मिलके क्या हुआ? क्रिश। तुम धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो भीड़ जमा हो जाएगी, ऑटोग्राफ वगैरह देना पड़ेगा। तुम अभी भी मुझे रॉन्ग समझ रहे हो, राइट? हाइट, क्रिश की हाइट तो और तुम्हारी हाइट तो अरे एडजस्ट करके ना भाई, हैं फाइट में टॉल और ड्यूटी पे स्मॉल। छोड़ो, तुम नहीं समझोगे, ये हम सुपरमैन लोगों का स्टाइल है। और तुम एक कॉमन मैन हो, तुम एक काम करो, वो काम ढूंढो जो अच्छे से कर सकते हो, करेक्ट? इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। दिल्ली से मुंबई जा रहे विमान AKA 101 के आगे के पहिए जाम हो गए हैं। उन्हें खोलने की पायलट्स की हर कोशिश नाकाम हो चुकी है। अगर लैंडिंग गियर सही तरीके से लॉकडाउन नहीं हुआ तो विमान क्रैश लैंड हो सकता है, यानी विमान में मौजूद सभी यात्रियों और विमान कर्मियों की जान खतरे में है। हम इस पूरे मामले देखा, अब जाना पड़ेगा और समय समय पर हम आपको इसकी जानकारी दे। ये कहां गया? मुंबई कंट्रोल AK 101 वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस। AKA 101, वी हैव क्लियर्ड रनवे 27 फॉर इमरजेंसी लैंडिंग। यू आर क्लियर टू लैंड, बेस्ट ऑफ लक। सर, बिना सामने वाले पहियों के लैंड करना प्लेन स्किड भी कर सकता है, एक्सप्लोड भी हो सकता है। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, फ्यूल भी खत्म हो रहा है। वी हैव टू टेक दिस चांस। प्लीज कीप योर सीट बेल्ट्स फास्टेंड एंड मामा, हमें कुछ होगा तो नहीं? गॉड प्लीज हेल्प अस, प्लीज प्लीज।
An epidemic of an unknown virus has broken out in Namibia. Disturbing images of the virus outbreak have just come in from the city of Gobabis. Correspondent is currently at the local office of the International Health Council, waiting for a statement from Dr. Varan Shetty, Regional Director of the WHO. On my return from Namibia this morning, I have immediately briefed senior members of the IHC about the current state of this outbreak. This virus needs to be contained as soon as possible. Otherwise, the consequences would be catastrophic. Infected samples of blood have been dispatched to distinguished scientists and doctors in all parts of the world. We need all the help possible in coming out with an antidote. It is now quite clear that the Namibia crisis is escalating. Our channel has set up a toll-free emergency helpline for any virus-related information. Hello? The number is Dr. Shetty. Dr. Mehra, Namibia mein khatarnak virus ne jo panic create kiya hua hai, uske baare mein tumne suna hi hoga. Haan, hum sab wahi dekh rahe the. डॉक्टर शेट्टी, इस वायरस का असर कितनी देर में दिखाई देने लगता है? इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? कॉन्टैक्ट में आते ही सिर्फ 5 सेकंड से 5 मिनट में इस वायरस का सिम्टम लोगों में दिखाई देने लगता है. ये वायरस हवा और पानी के जरिए तेजी से फैल रहा है. हमने इन्फेक्टेड ब्लड के सैंपल्स दुनिया में कई जगह भेजे हैं, तुम्हें भी मिल जाएगा. एंड आई एम रियली होपफुल कि तुम इस वायरस को क्रैक कर सकोगे. इसीलिए मेरी आखिरी उम्मीद तुम ही हो डॉक्टर मेहरा. प्लीज डू समथिंग. मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा डॉक्टर शेट्टी. आई विल ट्राई माय बेस्ट. हेलो हेलो डॉक्टर शेट्टी. यस, हु इज दिस? हेलो सर, मैं आलोक सेन बोल रहा हूँ. डॉक्टर आलोक सेन सर, मुझे अभी आपसे मिलना है. इट्स वेरी अर्जेंट सर, प्लीज सर. किस सिलसिले में? सर, मेरे पास नामीबिया के वायरस और उसके एंटीडोट के बारे में शॉकिंग इन्फॉर्मेशन है सर. What? मैं आपको मिलकर सब कुछ बताऊंगा सर. सर, मेरी लाइफ खतरे में, इसलिए मैं पेफोन से फोन कर रहा हूं. सर, प्लीज सर. ओके, काम डाउन डॉक्टर सेन. देखिए, मैं ऑफिस ही जा रहा हूं, आप मेरे ऑफिस आ जाइए. मेरे ऑफिस का एड्रेस है. हाँ सर, मैं जानता हूं ऑफिस, मैं अभी आता हूं. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. आई एम एक्सपेक्टिंग समवन. ओके सर, थैंक्स. कौन है आप? अलग, अनोखी, अद्भुत. क्योंकि मेरा कोई अतीत नहीं है. नो पास्ट, सिर्फ आज है. सरप्राइज्ड? आप जो भी हैं, आप गलत जगह आ गई हैं. जगह भी सही है और वक्त भी. इरादा शायद गलत है. व्हाट नॉनसेंस, प्लीज लीव. पहले मुझे जान तो लीजिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब भी हूं. देखिए आप मेरी आंखों में खुद को. What the hell do you think you're doing? Sir, there's a Dr. Sen here to see you. Send him in. Right, sir. Dr. Shetty, Dr. Sen, thank you. आप मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए. आप उस वायरस के बारे में मुझे कुछ बताना चाहते थे? हाँ सर, ये लीजिए. इसमें वायरस का सैंपल है और उसका एंटीडोट भी. मैं काल फार्मास्यूटिकल्स में काम करता हूँ. ये कंपनी अलग अलग डीएनए का फ्यूजन और एक्सपेरिमेंट करके डिफरेंट वायरस के लिए एंटीडोट बनाती. पर सर, मुझे रिसेंटली पता चला है
कि ये एंटीडोट तो बाद में बनाती, पहले वायरस बना लेती। दुनिया में कई जगह उनकी लेबोरेटरी से सर, इसलिए मैंने इस पेन ड्राइव में सारे सबूत ले लिए उनके खिलाफ। आपको लेबोरेटरी नंबर 3 का इंचार्ज बनाया गया था, जहां आपको अलग अलग डीएनए का फ्यूजन बनाना था, लेकिन आपने तो ये फाइल्स बना दी। आपको कैसे पता? मैं सही कह रही हूं। तुमने उसे चीट करके बहुत बड़ी गलती कर दी। He can't stand traitors. ये काया है साइंस का करिश्मा, और इसे बनाया है उसने जो बना रहा है इस दुनिया में अपनी एक नई अजीबोगरीब दुनिया। ये है काल, वक्त और जिंदगी पर जीत हासिल करने की सोच रखने वाला एक रहस्य, विज्ञान का एक जीनियस। कई सालों से जारी इसकी रिसर्च अब दुनिया को पूरी तरह बदल सकती है, लेकिन इसने अपने हर एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की थी खुद को बदलने के इरादे से। इसे अजीब इत्तेफाक ही कह सकते हैं कि जिसके दिमाग में इतनी शक्ति है उसके गले के नीचे का पूरा शरीर बेजान है, सिर्फ हाथ की दो उंगलियों को छोड़कर। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यह सच है कि काल टेलीकिनेसिस से, यानी अपने दिमाग की सारी ताकत को इन्हीं दो उंगलियों में लाकर चीजों को उठा सकता है, उड़ा सकता है, तोड़ सकता है। फिर भी काल लगातार खोज कर रहा है ताकि वो उस बोन मैरो को पा सके जो उसके जिस्म में जान डाल सके। लेकिन जब एकदम अलग डीएनए वाला काल इंसानों में अपना इलाज नहीं पा सका, तब उसने जानवरों को चुना अपने प्रयोग के लिए, और अपने और जानवरों के डीएनए और खून को मिलाकर टेस्ट ट्यूब बेबीज की तरह काल ने ऐसे कमाल के जीव बना लिए हैं जिनकी आत्मा काल की है, सूरत मानव की, लेकिन फितरत और ताकत जानवर की। इन्हें काल ने नाम दिया है मानवर। लेकिन काल को इन मानवरों से भी वो बोन मैरो अभी तक नहीं मिल पाया है जिसकी उसे तलाश है। उसकी कोशिश अब भी जारी है। इनिशिएट। Liquidation.
फ्यूजन इज द फ्यूचर. फाइनल टेस्ट शुरू कीजिए. इसे यहां रहना और जीना सिखाइए और कोशिश और तलाश जारी रखिए. तुम्हें वो बोन मैरो जरूर मिलेगा. आज नहीं तो कल तुम्हें कामयाबी मिलेगी. काल काल तो आज भी कामयाब है काया. तुमने मेरे नए मानवर स्ट्राइकर की जुबान की स्ट्राइक तो देख ही ली और काल कल भी कामयाब था जब उसने तुम्हें बनाया अपने और गिरगिट के खून से. तभी तो तुम रूप और शरीर बदल सकती हो कहीं भी कभी भी. देखते हैं नमीबिया में कितनी सांसें रुकी हैं अब तक. ये रेड डॉट्स दिखा रहे हैं 40% से ज्यादा लोग इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं. दुनिया के कई जीनियस साइंटिस्ट के चेहरों का रंग उड़ चुका है. हमारे साइंटिस्ट पूछ रहे हैं कि वहां अपना एंटीडोट कब भेजना है. लोगों को थोड़ा मरने दो और ज्यादा डरने दो. इट्स सिंपल साइंस काया. लोगों की हिम्मत जितनी नीचे जाएगी हमारा प्रॉफिट उतना ऊपर जाएगा. ये वायरस पैदा ही नहीं हुआ, इसे बनाया गया. लेकिन सर ऐसा कौन करेगा? एक बहुत ही बीमार इंसान. डॉक्टर मेरा, नमीबिया में जो वायरस फैला था उसका एंटीडोट बनाने में कामयाबी मिल चुकी है. ये ब्रेक थ्रू हासिल किया कंपनी कार्ल फार्मास्यूटिकल्स ने. एंटीडोट नमीबिया पहुंच चुका है और सिचुएशन कंट्रोल में आ रही है. थैंक गॉड. इस एंटीडोट ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दुनिया में बुरे लोगों से ज्यादा अच्छे लोग. अंसबा 13th फ्लोर बिल्लापुर. हटो हटो